एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना मैं अपने लिविंग रूम में से इस प्लांट को उठा के लाई हूँ। इंडोर में रहते रहते पूरा प्लांट है ना ये ख़राब हो गया, क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली और धूप नहीं मिली और बारिश का पानी नहीं मिला। सो ये धीरे धीरे है ना ये डेड हो चुका है, अंदर से सड़ चुका है। तो अभी ना मैं इसको खोल के चेक कर रही थी कि है ना इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। और मैंने जब इसको पूरे प्लांट को निकाल के देखा मिट्टी में से बाहर, तब पता पड़ा कि ये अंदर ही अंदर सड़ चुका है। सो अभी मैं इसी चीज़ में लगी थी और आज मेरा ये प्लांट भी ना मुझे अलविदा कह के जा चुका है। ये पूरा ख़राब हो गया है, मेरे दोनों प्लांट है ना धीरे धीरे करके ख़राब हो गए। सो अब मैं अगर कोई प्लांट लाऊंगी ना अरेका पाम का, तो मैं उसको ना बालकनी में ही रखूंगी, मैं उसको इंडोर नहीं रखूंगी, क्योंकि मेरे घर में ना कहीं से भी हवा नहीं आती, कहीं से भी सनलाइट नहीं आती, क्योंकि मेरे पूरे घर में कहीं भी कोई भी आपको खिड़की नहीं दिखती है। और आप लोग हमेशा पूछते हो ना कि दी आप ना घर में जाल क्यों रखती हो, क्योंकि मेरे घर में ना कहीं से भी वेंटिलेशन का है ना जरिया नहीं है। नीचे एक खिड़की है, वो भी सबसे पीछे वाले हिस्से में, जो हमेशा बंद रहती है गंदगी की वजह से। सो मेरे घर में कोई वेंटिलेशन नहीं है, इसी वजह से मैंने घर में जाल दे रखे हैं अपने छत में, ताकि थोड़ा बहुत है ना बाहर की हवा मेरे घर में आ सके। अभी हूँ यहाँ पे दाना पानी चिड़ियों के लिए बाहर रखूंगी, देखो बंदर चलने देते हैं या नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं है जो मैं अंदर टांग दूँ तो पक्षी आके पी ले, क्या करूँ, बाहर ही रखती हूँ। आजा मोलू, क्यों? तो मन तो बहुत करता है कि मैं पक्षियों के लिए दाना रखूं, पानी रखूं, और बहुत कुछ ऐसा मन करता है कि मैं ना पक्षियों के लिए करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाती। मैंने अपना मन करके खर्चा भी किया, पानी भी रखा, और उसके साथ में दाने का एक डब्बा अलग से रखा मैंने। मैंने सोचा दो मैं पानी रख देती हूँ, गर्मी बहुत है, और थोड़ा अलग डब्बे में दाने वगैरह रख देती हूँ। तो पता है क्या हुआ, शाम को आके देखा ना तो बंदर वो दाने वाला डब्बा लेके ही चले गए। तो ये तो हमारे वहाँ पे सिचुएशन है, लेकिन अगर आपके वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो प्लीज़ चिड़ियों के लिए दाना पानी ज़रूर रखें। कुछ नहीं होता, कोई इतना खर्चा नहीं होता है, लेकिन है ना जब वो पानी पिएंगी, दाना खाएंगे ना, तो जो सुकून मिलेगा ना वो बहुत ही अच्छा होता है। भाई मुझे तो बहुत सुकून मिलता है, पर हमारे वहाँ तो बंदरों की वजह से हम कुछ कर नहीं पाते। तो है ना अभी मैंने रात को मेहंदी घोर के रख दी थी, भिगो के रख दी थी, तो अभी मैं लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि काफ़ी महीनों से तबीयत ख़राब थी, ठंड तो सहन होती ही नहीं है। तो अभी बहुत अच्छी वाली धूप थी ना, गर्मी थी ना, तो मैंने सोचा थोड़ी मेहंदी लगा लेते हैं बालों में, क्योंकि मेरे बाल बहुत रफ हो रहे हैं और बालों में से कलर भी जा चुका है। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगा के फिर उसके बाद में करूँगी अपने घर के काम। तो जब तक घर के काम करूँगी ना, तब तक मेहंदी अच्छी तरह से सूख जाएगी। और अभी है ना मैं ये बर्तन का जो स्टैंड है ना, इसको खाली करके अच्छे से वाइप कर रही थी, क्योंकि स्टील का है और बाहर खुले में रखा हुआ है ना, तो इस पर धूल मिट्टी बहुत सारी छा जाती है। और अभी अभी रिसेंटली आपको पता ही है कि घर में काम चला था, टाइल्स की कटिंग वगैरह हुई थी, तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो ही गई है हर चीज़ पे। तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ मुझे दिखती है धूल मिट्टी और टाइम मिलता है, तो उस हिसाब से मैं ना घर के उस कॉर्नर को क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी मैंने स्टैंड को अच्छी तरह से वाइप किया और उसके बाद अब मैं रखूँगी बर्तन, क्योंकि रात के बर्तन ये स्टैंड में ही रखे हुए हैं। और अभी है ना क्या है कि छुट्टियाँ हो चुकी है स्कूल की, तो मैं भी काम है ना थोड़ा लेट ही स्टार्ट करती हूँ। नहीं पहले तो मैं सुबह 7 बजे तो खाना पीना रेडी कर देती थी, लेकिन आजकल 9-10 बजे तक मेरा खाना पीना बनता है, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, केवल आरू ही स्कूल जाती है। ज्यादा हरे रखे हुए हैं देखो ये एकदम, और ड्राई भी हो गए हैं, अब इनको स्टोर कर लूंगी। तो मैं ना 2 दिन पहले स्कूल गई थी सुबह के टाइम पे,
और मैंने वीडियो वगैरह कुछ शूट नहीं की थी। मैं गई थी 8 बजे और 9-10 बजे वापस आ गई थी, तो वहाँ से मैं कुछ ये पत्ते तोड़कर लाई थी, क्योंकि मेरे जो पत्ते थे ना ये घर के ख़त्म हो गए थे। और मैं हमेशा स्कूल जाती हूँ, पत्ते लेकर आती हूँ और उनको इसी तरह से ना छाँव में सुखा के स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना तड़के में ये पत्ते डालना यानी मीठे नीम के पत्ते डालना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सी महक आती है। सो बस यहाँ पे अभी है ना वो भी पत्ते भी स्टोर कर दिए और अब है ना किचन को क्लीन किया, एक बार अच्छे से वाइप कर दिया और अब मैं बनाऊंगी खाना पीना। तो अभी मैंने है ना फ्रिज में से निकाली है लौकी, और ये लौकी है ना जय शाम को ही खेत में से तोड़ के लाए थे, तो बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा है। तो आज मैंने सोचा कि है ना लौकी के कुछ अलग सब्जी बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से है ना मैं बस लौकी काटती थी और सिंपल सब्जी छोंक देती थी, क्योंकि स्कूल सब लोग जाते हैं ना तो सुबह इतना टाइम नहीं मिलता कि हम बहुत ज़्यादा कोई रेसिपी वगैरह बना सकें। और इसी वजह से क्या है मैं आजकल है ना रेसिपी की वीडियो भी कम शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता और शाम को इतना ज़्यादा हैवी कुछ खाने का मन नहीं करता। सो ये जो हरी है ना ये जो छिलके मैंने स्टोर करके रख लिए, क्योंकि इनसे मैं खाद बनाऊंगी अपने पौधों के लिए। और यहाँ पे मैं लौकी को कर रही हूँ कद्दूकस, तो ना सारी लौकी को कद्दूकस करूँगी और उसके बाद आज बनाऊँगी मैं लौकी की कोफ्ते वाली सब्जी। तो इसके लिए मैंने पहले लौकी को कद्दूकस किया और जो भी एक्सेस वाटर होता है ना लौकी के अंदर उसको मैंने ना इस तरह से दबा दबा के निकाल दिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोफ्ते इतने ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं ना कि फिर वो अच्छे से बनते नहीं है, सिकते नहीं है। तो इसी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा जो पानी था ना वो निकाल दिया, और अगर आप फ्रेश लौकी लाओगे ना तो उसमें इतना ही पानी निकलेगा। तो काफ़ी सारा पानी निकला था जो कि मैंने अभी रख लिया है, क्योंकि वो आगे मैं सब्जी में यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो लौकी थी वो ली है, इसमें मैं डालूँगी 1 कप के करीबन बेसन, 1 कप छोटा वाला तो आ ही गया था। और उसके बाद ना मैं बेसिक मसाले डालूँगी, यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी धनिया का पाउडर, और इसके बाद लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और इसके साथ में डालूँगी मैं साबुत जीरा, और अच्छी तरह से इनको मिक्स किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा यानी 2 चुटकी के करीबन मैंने डाला है बेकिंग सोडा और स्वाद अनुसार नमक, फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और पहले देखना है कि पानी की ज़रूरत है या नहीं, नहीं है तो बिल्कुल मत डालना, बट तुझे मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो जो लौकी का पानी निकला था ना वही मैंने डाल दिया, मैंने एक्स्ट्रा पानी कुछ भी नहीं डाला। और अच्छी तरह से हाथों से ना इसको फेंट लेना है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप इसको ना मिक्स करेंगे ना कोफ्ते उतने अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। और हाँ, बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा मत डाल देना, नहीं तो आपके जो कोफ्ते हैं ना वो फट जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पे तेल गरम किया, तो मोलोजित कर रहा था कि उसको कटोरी खानी है, तो ये जो होते हैं ना बच्चों के लिए जो खिलौने टाइप के आते हैं तो वो मैंने बना दिए, और ये मोलू को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो थोड़े से रखे हुए थे तो मोलू के लिए बना दिए, वो खाता रहेगा, तब तक मैं ना खाने पीने की तैयारी कर लूँगी। तो बच्चे घर पे रहते हैं ना तो बच्चों की तो कुछ ना कुछ डिमांड है ना वो चलती ही रहती है। तो इनको अभी नहीं खाना ठीक है मोलू, इनका ऑयल निकल जाए तब खाना, तेल सूख जाए तब खाना। अरे गर्म है बहुत, तेरी जीभ जल जाएगी। एक ऐसी खिलौने जो हवा में उड़ जाते हैं, मुझे हवा से। चलो पहले ब्रश करके आओ। चलो तो यहाँ पर है ना तेल गरम हो चुका है, यानी पहले से ही गरम था, तो उसमें अब मैं ना फटाफट से कोफ्ते बनाऊंगी। तो थोड़े से कोफ्ते तो हम करेंगे नाश्ते में यूज़, क्योंकि मैं और बाबा अब है ना जो पकोड़े होते हैं ना बेस लौकी के वो हम खाएंगे। आप इन्हें लौकी के पकोड़े भी कह सकते हो, कोफ्ते भी कह सकते हो, क्योंकि जब ये सब्जी बन जाएगी तब ये कोफ्ते कहलाएंगे। और चाय के साथ में है ना इनका नाश्ता बड़ा अच्छा लगता है। तो पहले जो मैंने बनाए उसमें से मैंने और बाबा ने किया नाश्ता, उसके बाद जो है ना मैंने बहुत सारे बना के रख लिए थे तो उसकी मैं बनाऊंगी सब्जी। तो ये जो पकोड़े थे इतने क्रिस्पी बने थे, इतने अच्छे लग रहे थे ना खाने में, कि प्याज आलू के पकोड़े भी इसके सामने मुझे तो फैल लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और चाय के साथ में मैंने बाबा ने खूब अच्छे से इंजॉय किया। उसके बाद है ना चाय वाय पीने के बाद मैं फिर से आई, अब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ सब्जी की। तो यहाँ पर तेल में मैंने जीरा डाला, अदरक लहसुन प्याज का मैंने पेस्ट डाल दिया, अच्छी तरह से भून लिया, और उसके बाद है ना अब मैं डालूंगी बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, साथ में डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है पानी डाल के थोड़ा सा, आप चाहें तो मसालों को कटोरी में लेके पानी में डाल के भी डाल सकते हैं। तो देखिए मसाले में से अच्छे से ऑयल निकल चुका है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे टमाटर का पेस्ट, तो है ना मैंने यहाँ पे 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है, उसको भी अच्छी तरह से डाल देंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपके पास दही हो तो आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो कोफ्ते मैंने बना के रखे थे वो भी यहाँ पे अच्छी तरह से ऐड कर देना है, और अच्छी तरह से मसाले में कोट कर लेना है, मिला देना है,
ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो जो कोफ्ते हैं ना उनके अंदर आ जाए। वैसे भी हमने कोफ्ते के अंदर मसाला ऑलरेडी डाला था तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ग्रेवी और कोफ्ते का सेम टेस्ट आने वाला है। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, पानी डाल देना है, आपको 2 से 3 गिलास पानी डालना है क्योंकि जो कोफ्ते होते हैं ना वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने सब्जी बना के रेडी करी, अरविंद आ चुका है। मैंने अरविंद को बुलवाया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ड्रिलिंग का काम करवाना था, सो मैं अभी गार्डन में थोड़ा सा है ना जो डेकोरेशन होता है ना वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो लेकिन देखिए, डेकोरेशन अगर हम किसी भी चीज़ का करें ना तो वो एक साथ नहीं हो सकता। हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। एक तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम गांव में रहते हैं, यानी मैं गांव में रहती हूँ, सो यहाँ पे मुझे जो डिज़ायर चीज़ें होती है ना, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलती नहीं है। और जो मैं डेकोरेशन की चीज़ें खरीदना चाहती हूँ ऑनलाइन में बहुत महंगी आती हैं, और ऑफलाइन यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मैं खरीद के ला सकूँ। सो जितना होता है ना धीरे धीरे मेरे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं ना उनको मैं करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो मैंने ये स्टैंड है ना ये ऑनलाइन ही मंगाए थे और ये 400 रुपये के 2 आए थे, और ये मैंने मंगाए थे मीशो से। इतने हैवी है ना कि आप इसमें आराम से ना बड़े वाले गमले भी रख सकते हो, लेकिन बस इनके जो स्क्रू है ना वो थोड़े से हैवी होने चाहिए। बहुत अच्छे थे, तो मैंने अरविंद को बुलाया कि थोड़ा सा ये स्टैंड लगा दे, क्योंकि मुझे ड्रिल मशीन चलाने में ना बहुत दिक्कत होती है। मैं सारे काम कर लेती हूँ लेकिन मुझे ड्रिल मशीन मुझसे नहीं चलती। तो अरविंद को मैंने बुलाया, तो ये वाले जो स्टैंड है ना ये मैंने लगवाए हैं अपने गार्डन में, और लगने के बाद जो लुक आएगा ना वो मैं आपको वैसे आगे वीडियो में दिखा दूंगी, पर जब डेकोरेशन करूंगी ना अपने गार्डन का तब मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी। और उसके बाद अब ये दोपहर का टाइम है और मैं अपना मुंह वूह धो के फिर गार्डन में आ चुकी, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा गार्डन मेरा फैल गया है। और देखिए स्टैंड लगने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे जो छोटे छोटे प्लांटर थे ना वो मैंने अभी उस पर रख दिए हैं हाल फिलहाल के लिए, और जब मैं अच्छे से ना इसको डेकोर करूंगी तो पूरे गार्डन का आपको व्यू दिखाऊंगी। अभी तो शाम का टाइम है, मैं आई हूँ अपने पौधों में पानी स्प्रे करने। जैसा कि मैंने बताया है कि गर्मी का टाइम है तो मैं सुबह शाम 2 बार अपने पौधों में स्प्रे करती हूँ और 1 बार अच्छी तरह से पौधों में पानी देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो पौधों में पानी 1 बार तो बहुत अच्छे से देना होता है, लेकिन इतना भी ना दे देना कि पौधों की जड़ें सड़ जाएं। पौधों को चेक कर करके पानी देना होता है। तो बस यहाँ पे अभी अपना ये काम करूँगी, उसके बाद में फिर किचन में जाऊँगी और जाके अपने किचन के काम करूँगी। तो आज हम लोग गए थे मार्केट में अपने गार्डन को डेकोर करने के लिए, थोड़े बहुत ही ना जो थर्मोकोल के ग्लास होते हैं ना ये लेकर आई हूँ, कुछ बनाऊँगी DIY। तो अभी मैं उसी को इस तरह से अरेंज करके देख रही थी कि हो जाएंगे या कि नहीं हो जाएंगे। तो चलिए ये रख देते हैं साइड में, क्योंकि इसी के साथ साथ है ना मैं राशन का काफ़ी सारा सामान लेकर आई हूँ, क्योंकि है ना घर में काफ़ी सारा सामान है ना वो ख़त्म हो गया था इसलिए। सो फटाफट से है ना अब यहाँ पे सारा सामान निकाल के स्लैब पे रखूँगी, उसके बाद सारे सामान को अरेंज करूँगी और इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं एंड करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देकर जाइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बीच में इस चीज़ का बोल देती हूँ, क्योंकि व्यूज़ तो डाउन हुए हैं, आप लोग लाइक क्यों डाउन कर देते हो, कम से कम 1000 लाइक तो मेरी रखो ही रखो। सो और यही वजह है कि मैं पता है रेगुलर वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मैं वीडियो बना बना कर थक जाती हूँ, ना तो व्यूज़ आते हैं, ना सैलरी आती है, ना ही लाइक बढ़ती है। सो घाटा ही घाटा होता है, तो मन भी नहीं करता, क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि थोड़ा सा किसी चीज़ में हमको मोटिवेशन नहीं मिलता ना तो उसको करने में भी हमको मज़ा नहीं आता। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और इतना सारा सामान लेकर आई, अब इसको अरेंज करूँगी, उसके बाद मैं खाना पीना बनाऊँगी, तब जाकर आज मैं फ्री हो पाऊँगी। आज पता है मेरा पूरा दिन घर के काम में गया था। कभी कभी लगता है कि वैकेशन नहीं होते ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, एटलीस्ट हम सुबह जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं तो दिन में कुछ टाइम तो हमको हमारे लिए मिल जाता है, लेकिन जब वैकेशन कम हो गए ना अब तो सारा दिन किचन में ही चला जाता है, पता ही नहीं पड़ता कि कब सुबह हो गई और कब शाम हो गया। वैसे मेरे साथ तो हमेशा यही रहता है, सारा दिन काम काम काम, और उससे भी बड़ी बात घर के किचन की सिंक वो तो कभी खाली होती ही नहीं है। हम कहते ना, मुझे नहीं पता कि शायद कौन सा दुनिया आएगी, कौन सा ज़माना आएगा जब किचन की सिंक खाली होगी। सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, फिर रात करो, दिन में 4 बार बर्तन होते हैं। सो चलिए अब मैं सारा सामान अरेंज कर देती हूँ, उसी के साथ वीडियो को एंड भी करती हूँ, और अब देखते हैं कल मैं वीडियो डालूंगी या नहीं डालूंगी, तो आप लोगों के साथ में शेयर हो ही जाएगी।
लिए इस वीडियो को तो हम एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू, सब अपना ध्यान रखिएगा। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि हमारे वहाँ पर तो ना बहुत तेज़ आंधी आई थी। जैसे ही मैंने सामान अरेंज किया उसके बाद वो भयंकर आंधी आई कि हालत ही ख़राब हो गई। सो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर को थोड़ा साफ़ सुथरा रखिएगा क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सो चलिए एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, लव यू, सब अपना ध्यान रखिएगा।